नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। चिदंबरम पर ईडी के दस्तावेजों से बड़ा खुलासा। आईएनएक्स मीडिया मामले में रिश्वत की रकम से तार सीधे जुड़े। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से जुड़े आईएनएक्स मीडिया मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक इस मामले में रिश्वत की रकम के तार सीधे पी चिदंबरम से जुड़े गए हैं। ईडी के यह दस्तावेज सीबीआई ने मांग की थी। सीबीआई पी चिदंबरम को कस्टडी में लेकर के पूछताछ कर रही है। अब 30 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में रखेगी। ईडी के दस्तावेज के मुताबिक इस ट्रस्ट में ट्रस्टी पी चिदंबरम है। आईएनएक्स मीडिया मामले में दस्तावेजों को साफ तौर पर लिखा गया है कि 26 सितंबर 2018 को नॉर्थन ईस्ट कंपनी को 60 लाख रुपए गए थे। सीबीआई ने पी चिदंबरम से ट्रस्ट के बारे में भी पूछताछ की है। जांच एजेंसी अब ट्रस्ट के दस्तावेजों को खोजने में लगी हुई है। अगर रिश्वत का सीधा संबंध यदि पी चिदंबरम से हुआ तो उनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती है। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ प्रदर्शनकारी लगा रहे हैं नारा। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान में इन दिनों सेना के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वहां के लोग आतंकियों को समर्थन के लिए सेना के खिलाफ नारेबाजी करने लगे हैं। नारे लगाते हुए वीडियो पाकिस्तानी टीवी पर दिखाए जाने के बाद सेना ने चैनलों को धमकाया है। ये लोग पाकिस्तानी आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग नारा लगा रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ आगामी नेशनल पार्टी कार्यकर्ताओं ने खैबर पख्तूनख्वा में विरोध किया है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में हुए आम चुनाव से सेना ने इमरान खान को अपना समर्थन दिया है और परिणाम में भी हेराफेरी की है। लेकिन पाकिस्तानी चुनाव आयोग के प्रवक्ता का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया गया था। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने लोगों से अपील की है कि बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान न दें। यूपी में लगातार बच्चा चोरी से जुड़े अफवाहें सामने आ रही थी। इसी बीच यूपी के डीजीपी को खुद सामने आकर के लोगों से अपील करनी पड़ी है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो कानून हाथ में न ले। उन्होंने कहा है कि आज मैं आपका ध्यान एक गंभीर अफवाह की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में असामाजिक तत्व बच्चा चोरी की अफवाहें फैला रही थी, जिसमें से अनेक घटनाएं सामने आ रही थी। जांच में पता चला है कि बच्चा चोरी की बात प्रमाणित नहीं हुई है। मेरी आपसे अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी तरीके से आप कानून अपने हाथ में न लें। उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस संबंध में जानकारी चाहता है तो 100 नंबर पर फोन करें। खौफ में पाकिस्तान, स्पाइस बम ने बालाकोट में मचाई थी तबाही। अब इजराइल से भारत को मिलेगी 100 बमों की नई खेप। पाकिस्तान की सरजमे में आतंकवादियों के ठिकाने पर तबाही मचाने वाले बम की नई खेप जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाली है। इजराइल से भारत स्पाइस 2000 बम मंगवा रहा है। इसमें से भारतीय वायुसेना की न ताकत बढ़ेगी बल्कि दुश्मन के खेमे में भी खलबली मची हुई है। बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर स्पाइस 2000 बमों के हमला किया था, जिसमें से अब इन्हीं बमों को खेप भारतीय वायुसेना के में शामिल होने वाली है, जिसमें से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान है, 1 सितंबर से लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना अगले महीने 1 सितंबर को लागू होगी। राज्य की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ एकीकरण के बाद अब योजना का नाम आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना के लागू होने से प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ जाएगी और साथ ही उन्हें अधिक बीमारियों से इलाज की भी सुविधा मिल जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और आयुष्मान भारत एक साथ राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना का एकीकरण इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में हम 70 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी दल राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में कुल 81 में से 65 ही नहीं बल्कि 70 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। हमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में, सभी मंडल में, सभी पंचायत में, एक एक गाँव की एक एक गली में जाकर के एक एक घर के दरवाजे खटखटाए। रघुवर दास ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमें अपनी सक्रियता और मेहनत की ओर बल देना होगा। संगठनात्मक नतीजे के लिए अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी और लगन के साथ जुनून पैदा होगा। भारत को 36 रफाल की नई खेप बेचने के लिए तैयार है फ्रांस। आज होगी एनएसए स्तर की बातचीत। फ्रांस ने 36 रफाल विमानों की खरीदारी पिछले एक साल से देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अब भारत का प्रमुख रक्षा सहयोगी देश फ्रांस रफाल विमान की अगली खेप बेचने के लिए तैयार हो गया है। आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इमैनुएल बोन भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक होनी है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक इस बैठक में रफाल सहित अन्य रक्षा उपकरणों पर भी बातचीत हो सकती है। फ्रांस भारत को अन्य रक्षा उपकरणों के साथ 36 और रफाल बेचने के लिए तैयार हो गया। इसमें से नौसेना के लिए हेलीकॉप्टर और कोस्ट गार्ड के लिए सबमरीन भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अमर्यादित भाषा, कहा राहुल 370 के हिमायती हैं तो लोग उन्हें जूते मारेंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से राज्यपाल सत्यपाल मलिक और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच वार पलटवार जारी है। राज्यपाल मलिक ने अब राहुल गांधी पर कश्मीर के उनके रूह को लेकर के हमला बोला है। राज्यपाल मलिक ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि राहुल गांधी आर्टिकल 370 के हिमायती हैं तो लोग उन्हें जूते मारेंगे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राहुल गांधी देश के सबसे प्रतिष्ठित परिवार से हैं लेकिन उन्होंने राजनीति नौसिखिया की तरह बर्ताव किया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को लिखे अपने पत्र के बयान में जिक्र किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त देश में चुनाव आएगा उन्हें विरोध के लेकर के कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। वो बस यह कह दें कि ये 370 के हिमायती हैं तो लोग उन्हें जूते मारेंगे।